हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? मुझे आशा आप सब ठीक होंगे। आज ना हम लोग छोटी सी रेसिपी लेके आ गए हैं, आलू सोयाबीन की सब्जी। तो ठीक ठाक सी रेसिपी है, बहुत यूनिक तो नहीं कह सकते, लेकिन यूनिक उसमें भी यूनिक है। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। तो देखिए, ये तो भाई हम लोग है कि कढ़ाई गरम करेंगे, तेल गरम करेंगे, उसमें मिर्च डालेंगे, तेज पत्ता डालेंगे, जीरा पचफोरन डालेंगे, इन सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से चटका लेंगे आपस में। और इन सभी चीज़ों को चटकाने के बाद देख सकते हैं इसमें थोड़ा सा लहसुन डालेंगे। लहसुन डालने से होता क्या है ना कि टेस्ट थोड़ा एक्स्ट्रा लेवल का आता है। इन सारी चीज़ों को डाल के अच्छे तरीके से चटका लेंगे और करछी से इसको छिला लेंगे। और उसके बाद हम यहाँ पे कुछ एक एक करके इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। आई होप कि आज का जो वीडियो है आपको बहुत ही पसंद आएगा। फिर यहाँ पे थोड़ा सा हम बारीक साइज़ का कटा हुआ प्याज डाल देंगे, ठीक है। तो पहले से तो हम लोग का आज नहीं था कि वीडियो शूट करना है, ये वो करना है, लेकिन एकदम से हो गया कि हमें वीडियो शूट करना है, चलो वीडियो शूट करते हैं। तो सोचा कि चलो आपके साथ आलू सोयाबीन की रेसिपी भी शेयर हो जाएगी। तो यहाँ पे हम प्याज डाल के अच्छे तरीके से भूनेंगे। देख सकते हैं जैसे कि प्याज को डाल करके कुछ इस तरीके से भून लेंगे। प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है, देख सकते हैं जैसे कि। और जैसे कि मैंने सोयाबीन बोला है कि सोयाबीन आलू की सब्ज़ी बनाने वाले हैं, तो यहाँ पे सोयाबीन को फ्राई कर लिया है। सोयाबीन को जो फ्राई करने का तरीका है ना, बस कढ़ाई गरम करना है, तेल गरम करना है, और उसमें तेल गरम हो जाने के बाद सोयाबीन डाल लेना है और आधा छोटा चम्मच स्वाद अनुसार चम्मच नमक डाल देना है और इन सभी चीज़ों को सैलो फ्राई कर लेना है गोल्डन ब्राउन होने तक, ठीक है। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा क्या करेंगे कि इसको गलने के लिए आधा छोटा चम्मच यहाँ पे नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे और देख सकते हैं हमें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो देख सकते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आलू है, बॉयल किया हुआ आलू जिसे हमने पानी में बॉईल किया हुआ है, तो इसको छील लिया है अच्छे तरीके से। और फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक साइड हमारा जो प्याज है वो किस तरीके से सैलो फ्राई हो रहा है। तो देख सकते हैं यहाँ पे हम एक चम्मच मिक्स मसाला डालेंगे। मिक्स मसाला आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया एक चीज़, ठीक है। अब हम आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। एक्चुअली क्या है ना कि जब भी हम कुछ इंग्रेडिएंट्स डालते हैं तो हमें क्वांटिटी पता होना चाहिए कि हम कितने क्वांटिटी में डाल रहे हैं। तो आप भी अपने क्वांटिटी के हिसाब से डालिएगा, हम भी अपने क्वांटिटी के हिसाब से डालेंगे। और यहाँ पे जो हम स्वाद अनुसार नमक लेंगे, थोड़ा सा ध्यान से लेंगे क्योंकि हमने पहले भी नमक डाला है। तो यहाँ पे स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, फिर टमाटर डालेंगे, बारीक साइज का कटा हुआ टमाटर डालेंगे और इन सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से भून लेंगे। मसाला है ना कि जब तक पकेगा नहीं ना, उसमें से स्वाद निखर के नहीं आएगा, सही है, स्वाद निखर के नहीं आने वाला। जब तक मसाला नहीं भुनेगा ना, स्वाद बिल्कुल ही नहीं आने वाला, सही है। तो यहाँ पे भून लेंगे, ठीक है। और भुनने के बाद थोड़ा सा इसको क्या करेंगे कि थोड़ा सा भी सैलो फ्राई होने देंगे क्योंकि हमने मसाला भी डाला है, तो मसाले का भी भुना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है अभी। और ऐसे तो काफ़ी सारी यूनिक रेसिपीज़ पड़ी हुई है, बस है कि अभी एग्ज़ाम की वजह से मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है। जितना भी टाइम मिल पा रहा है मैं उसमें कोशिश कर रही हूँ कि आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट दे पाऊँ, क्योंकि मेरी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। कोशिश करूँ कि जितना भी मैनेज हो सके मेरे से मैं करूँ, ठीक है। फिर यहाँ पे मसाले को भिगाएंगे क्योंकि जब तक मसाले को नहीं भिगाएंगे ना, तब हमारा मसाला अच्छे से पकेगा नहीं, भुनेगा नहीं। तो थोड़ा सा मसाले को पकने देंगे ताकि अच्छे तरीके से ये सारे मसाले जो है वो आपस में अच्छे तरीके से भुन जाए। पकना भुनना एक ही बात है, आप जो समझ लो, ठीक है। तो
अब इसको भूनने देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो है मसाला वो बहुत अच्छी तरीके से भून चुका है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि मसाला भून चुका है, ठीक है। आपको मसाला को भिंगाते वक्त लगे ना कि थोड़ा सा हमें और डालना चाहिए तो डाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं डालना है, ठीक है। जब तक हमारा मसाला भुनेगा नहीं ना, तब तक हमें ज़्यादा नहीं डालना है उसमें पानी। और दूसरी चीज़ जो है, जब भून जाता है मसाला, हम पानी डालने के बाद जब मसाला हमारा भून जाता है, मसाले को भिगाते हैं ना ताकि हमारा मसाला भून जाए। जब हमारा मसाला भून जाता है उस टाइम पे भी लगता है कि पूरा ये जो मसाला है बस मसाला ही है, उसमें कोई नमी नहीं है, तो थोड़ा सा उसके लिए पानी ऐड कर सकते हैं। ऑप्शनली है ये चीज़ जो है, वो ऑप्शनली है, इन दोनों का कनेक्शन की चीज़ से है, ठीक। तो अब हम यहाँ पे आलू डाल लेंगे और आलू को डाल के अच्छे तरीके से चला लेंगे, ठीक है। भून लेंगे अच्छे तरीके से, सही है फिर से, सही है, आदत हो गई है ना। तो देखो आप लोग, मैं कोशिश करूँगी कि जो भी वीडियोस पेंडिंग में पड़ी हुई है मैं उसको लेकर आऊँ, ठीक है। मैं भूल कुछ हो रही हूँ और लेके आ रही कुछ और, तो उसका यही रीज़न है कि भी एग्ज़ाम चल रही है, जितना सा थोड़ी देर में जितना सा भी मेरे से हो पा रहा है ना, मैं करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ पे हमारा जो आलू है ना, मसाले में पूरा पक चुका है, बात करते करते ये मसाले में पूरा पक गया। तो यहाँ पे डालेंगे सोयाबीन, ठीक है। सोयाबीन को भी डाल के अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, ठीक है। और मसाला तो भुन चुका है, आलू सोयाबीन भी भुन चुका है लगभग में। और अब यहाँ पे क्या करेंगे ना कि थोड़ा सा पकने देंगे आलू के साथ मसाले को और सोयाबीन के साथ, जब पक जाएगा तब हम आपको दिखाएंगे। अब भाई हमारे यहाँ पे मसाला भून चुका है, तो क्यों ना हम इसमें पानी डालेंगे और अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे सभी चीज़ों को, ठीक है। एंड अगर आज का वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में हमें कॉम्प्लीमेंट ज़रूर दीजिए वीडियो के बारे में, क्या आपको अच्छा लगा, क्या और अच्छा करना चाहिए, ठीक है, और क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पानी थोड़ा सा बढ़ा के डाल देंगे, क्योंकि क्या होता है ना कि ग्रेवी कभी कभार हमें कम पड़ जाती है, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर पानी ऐड कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे कोई बात नहीं है। तो अब हम इसको 5 से 10 मिनट ढक के रख देते हैं ताकि ये भून जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो आलू सोयाबीन का सब्जी है एकदम यहाँ पे बॉयल हो रहा है। और अब हम क्या करेंगे, यहीं पे थोड़ा सा हम धनिया पत्ता के बिना तो हर चीज़ भी अधूरा है। तो यहाँ पे हमारा तो आलू और सोयाबीन का जो सब्जी है वो एकदम से तैयार हो चुका है, ठीक है, क्योंकि हमने मीडियम फ्लेम पे इसको अच्छे तरीके से पका है, तो जल्दी बन के तैयार हो गया, ठीक है। तो यहीं पे थोड़ा सा धनिया पत्ता से हमने गार्निश कर दिया। अब सीधा मिलते हैं सर्विंग पे। आई होप कि आज का वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा, तब तक के लिए मिलते हैं सर्विंग पे। तो ये कुछ रही सर्विंग, कुछ सर्विंग इससे भी अच्छी हो सकती थी, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन जैसे मेरा एग्ज़ाम ख़त्म होगा मैं पूरा फोकस के साथ हर चीज़ करूँगी, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।